प्रदेश के 28 विधानसभा में उपचुनाव हैं। मध्य प्रदेश के सबसे हॉट सीट इंदौर की सांवेर विधानसभा के लिए गोवा से अतिरिक्त पुलिस बल और पैरा मिलिट्री फोर्स के कुछ कंपनियां इंदौर पहुंची हैं, जहां लगभग 3,000 जवानों को कोविड-19 में शांतिपूर्वक मतदान कराने का अभ्यास कराया गया। सांवेर में 380 मतदान केंद्र हैं और इनमें से कई संवेदनशील और अति संवेदनशील कैटेगरी में आते हैं, जिनके लिए यह एहतियात बढ़ता जा रहा है। जितने भी क्रिटिकल और वल्नरेबल एरिया हैं, क्रिटिकल पोलिंग बूथ और वल्नरेबल एरिया, इन सभी में चुनाव आयोग के ऐसे निर्देश हैं कि यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेज तैनात किए जाएँ। पैरामिलिट्री के अंतर्गत यहाँ पे जो गोवा की SAP है वो 3 कंपनियाँ आई हैं, जिसमें लगभग प्रत्येक में 100 के समथिंग जवान। मरवाही उपचुनाव के लिए आज प्रचार का अंतिम दिन है। भाजपा ने जीत हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। भाजपा के साथ अब जोगी कांग्रेस भी आ गई है, लेकिन इस गठजोड़ से बीजेपी को कितना फायदा होगा, क्या ये बीजेपी की रणनीति और मुद्दे, उस पर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक से खास बातचीत की स्वराज संवाददाता वैभव शिपांडे ने। मरवाही उपचुनाव में जो है जीत किसकी होगी, कांग्रेस या बीजेपी की, ये जानते हैं। हमारे साथ हैं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी। कौशिक जी, आप पिछले कई दिनों से मरवाही में हैं, अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन निशाने पर बीजेपी की जो 15 साल की जो सरकार रही है वो है। कांग्रेस हर जगह पर जो है इस मुद्दे को उठा रही है कि रमन सिंह ने 15 साल में मरवाही को दिया क्या, अब वो किस हक से, किस हैसियत से जो है यहाँ पे वोट मांगने के लिए आई है। भूपेश बघेल जी के यहाँ पर सरकार है, 2 साल में एक ईंट भी रखने का काम इस सरकार ने नहीं किया। यहां पर पंचायतों के कार्य सभी बंद हो गए हैं, सड़कों की है स्थिति बेहद खराब है और एक पेच रिपेयर का भी काम नहीं हुआ है। तो आखिर आज सरकार किसकी है? यदि हम ये बोले कि डॉक्टर रमन सिंह ने क्या किया, तो वास्तविक में आज मूलभूत जो परिवर्तन आया है लोगों के जीवन में, चाहे वो हमारा 1 रुपये किलो चावल की योजना हो, किसानों के लिए पंप के कनेक्शन की योजना हो, स्मार्ट कार्ड के द्वारा इलाज की योजना हो, प्रधानमंत्री जी के हमारे आवास योजना हो, और केवल मनरेगा का कार्य चल रहा है, उसके अलावा राज्य सरकार की तरफ से 1 पैसे का भी काम यहाँ पर शुरू नहीं हुआ है। नहीं तो कांग्रेस कह रही है कि जो लंबे समय से एक मांग थी इस इलाके के लोगों की, वो मांग उन्होंने पूरी की। जिला बनाने की जो सौगात है वो कांग्रेस ने दी, बीजेपी ने तो दिया नहीं, इसे पूरा ही नहीं किया, वो लटका के रखे रहे। 1 साल जिला बनने के बाद में मरवाही को जनता को क्या मिला? एक ईंट भी यहां पर रखने का काम नहीं हुआ है। जो घोषणा भी किए तो चुनाव के समय में किए, उनको मालूम था कि पैसा देना मत पड़े, केवल पेपर में रहे। और कांग्रेस के हमेशा से नीति रही है कि समाचार पत्रों में केवल घोषणा दिखते रहे। जब इतने सारे मुद्दे हैं आप लोगों के पास और जनता के बीच सरकार को लेकर के नाराजगी है, तो फिर जोगी को साथ लेने की जरूरत क्यों पड़ी? जोगी जी के अंदर में जब वो मुख्यमंत्री रहे तो आज के मुख्यमंत्री उनके अंदर में मंत्री रहे, रविंद्र चौबे जी मंत्री रहे, अकबर जी मंत्री रहे, घूम घूम के छत्तीसगढ़ में आदिवासी कहने वाले लोग यही लोग रहे हैं। और आज जब फार्म निरस्त करवाने के लिए उसको नकली आदिवासी बनाया गया, 3 तारीख को मरवाही की जनता उनको जवाब देगी। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जनता, मरवाही की जनता बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर गंभीर सिंह को लेकर के कितने गंभीर है, और क्या मरवाही की जनता वाकई में न्याय करेगी जोगी परिवार के साथ या नहीं, ये 3 नवंबर के मतदान और 10 नवंबर को जब नतीजे सामने आएंगे तो साफ हो जाएगा। कैमरामैन रेखराम के साथ वैभव सिंह पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, मरवाही। खबर